हेलो, कौन? तुम्हारा शुभ चिंतक। शुभ चिंतक कौन है तुम? अभी जान पहचान का समय नहीं है। तुम्हारे दोस्त दया की जान खतरे में, आप जल्दी आ जाइए। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दया कहाँ है? हेलो, दया को अगर बचाना है तो मर्ड सीमेंट फैक्ट्री आओ। सीमेंट? नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, तुम दया से बात करो पहले। कौन हो? दया से बात करो मुझसे। हेलो हेलो हेलो, ये क्या चक्कर है? Switch off. कर रहे हो तुम? मैं ऐसा नहीं मानता कुछ भी। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो अपने फोन पर एक वीडियो देखो जो मैंने भेजा है। मैं फिर तुम्हें फोन करता हूँ। क्या? हेलो हेलो, ऐसा नहीं कर सकता। हेलो, देखा? हाँ देखा, लेकिन ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। दया को फंसाने की साजिश है। दया ऐसा कुछ नहीं कर सकता, समझे तुम? कर दिया ऐसा दया ने, और सबूत अभी अभी तुमने देखा है। अब दया को बचाना चाहते हो तो जो मैं कहता हूं वो करो। देखो, ये नाटक छोड़ो। तुम मेरे सामने आओ, समझे? वो कहां तुम? तुम्हारे पीछे। कहाँ गए?
खेल रहे हो तुम, समझे? खेल खेलना बंद करो, मेरे सामने आओ, वरना मरना क्या, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दोस्त को बचाना है तो ठीक है, जादूगर के शो में हिस्सा लेना। अब इंतजार की घड़ियां खत्म दोस्तों, हाजिर है टीके जादूगर। मेरे चाहने वालों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अनोखा और पहले कभी ना किया हुआ जादू करने जा रहा हूं। जी हाँ, वो जादू है उस वैन में। मैं अपने आप को बंद कर लूंगा और फिर उस वैन में होगा एक धमाका। वाओ अभिजीत, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे मैजिक शो दिखाने लायो। कितने दिनों बाद, मजा आएगा। पहले बता देता तो फिर सरप्राइज कैसा है? वो भी है। सभी लोगों से गुजारिश है कि कोई भी वैन के पास नहीं जाएगा, सब इससे दूर रहेंगे। हे भगवान, आई होप इसे कुछ होना गया हो। सभी लोग देखेंगे कि जादूगर साहब इस वैन में से नहीं, कहीं और से आएंगे। दोस्तों, मैं यहां हूं। दोस्तों, यही कारनामा यहां फिर से आप देखेंगे, लेकिन इस बार यह कारनामा पेश करेंगे यहां सबके बीच मौजूद सीनियर सीआईडी ऑफिसर अभिजीत। तालियां शाबाश सीआईडी ऑफिसर के लिए, जोरदार तालियां। नहीं अभिजीत, दूसरी वैन लाई जाए। अभी मैं जाता हूँ वैन में और नहीं अभिजीत, तुम मत जाओ प्लीज, जादू तुमको थोड़ी ना। मैं यूं गया और यूं आया। कुछ हो तो नहीं गया, जरा देखो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, अब अभी आ ही जाएंगे। उन्हें तो अभी तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए। अभिजीत, 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 अभिजीत
अभिजीत प्लीज बाहर आ जाओ, अभिजीत बाहर आ जाओ, अभिजीत कहाँ? अभिजीत, मैंने मना किया था अब अंदर मत जाना, सुना ही नहीं, लेकिन अभिजीत सर प्लीज अपनी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए ना अभिजीत सर, मैं एचपी सर भी सब खड़े सर आपके साथ, प्लीज आंखें खोलिए सर, बोलिए ना सर, उठाइए ना अभिजीत सर, सचिन जो दुनिया छोड़ के चला गया उसे उसे कोई नहीं वापस ला सकता। पूरी तारिका को ले जाओ यहां से, निकल एम्बुलेंस को बुलाओ, सचिन काम पे लग जाओ, चेक करो अच्छी तरह से। तरुण कुमार कहाँ है? सर पता नहीं कहाँ है, बहुत देर से उनका फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कहाँ है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। निखिल इस तरुण कुमार का एड्रेस और फोन नंबर ले लो, और उस जमीन के नीचे भी छुपाओ ना तो खोद कर निकालो उसे, आज के आज मेरे सामने होना चाहिए वो। इतनी बुरी तरह से जल चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सचिन दया को फोन कराओ, बुलाओ उसे। सर दया सर का फोन भी बंद है। फोन बंद है, इतना बड़ा हादसा हुआ और फिर भी दया का फोन बंद आ रहा है, कहां हो तुम दया? कुछ लोग आ गए और मेरे भैया को मार रहे हैं सर। मार रहे हैं कहाँ पे? सर घर पे। आ बैठो। हो गया सर, कोशिश कर रहा हूं अभी पता लगे, जल्दी करो सचिन। दया सर के फोन की लोकेशन मलाड जंगल रोड बता रही है सर। मलाड जंगल रोड? सचिन जाओ जाकर देखो अभी इसी वक्त। सर जाओ। सर आप रेडी? सर तरुण कुमार की फोन डिटेल्स आ गई। क्या है बताओ? ये देखिए तरुण कुमार ने दिन में
सात लोगों को फोन किया है, तीन बार एक ही नंबर पर। किसका नंबर है ये, किसका नंबर है? सर ये नंबर तो तरुण कुमार की वाइफ कामिनी का है। कामिनी, बोलिए क्या बात है? आप दरवाजा खोलेंगी तो हम कुछ बताएंगे ना। कौन है आप लोग और क्या काम है? हम सीआईडी से। टीके कहाँ? वो घर पर नहीं है। अरे ये कोई तरीका है क्या? घर की तलाशी लो अच्छी तरह से, देखो तरुण कुमार का। आप लोग के पास में सर्च वारंट है क्या? और आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? तो अभी पता चल जाएगा। जादूगर घर पे नहीं है। बताइए तरुण कुमार द ग्रेट मैजिशियन कहां पर है? मुझे नहीं पता। देखिए बेहतर ये होगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दें, वरना हमारी इस ऑफिसर से तो आप अभी अभी मिल चुकी हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, रेडी? अपनी घड़ी देखना, इनके पास सिर्फ 2 मिनट है। अरे क्या आप लोग सच में मुझे मारेंगे? सिर्फ 10 सेकंड बाकी है आपके पास। क्या करे, सीआईडी की घड़ी बड़ी तेज चलती है ना। सर मेरे पति निर्दोष है, मुझे सच में नहीं पता कि सब कैसे हो गया। सिर्फ 2 सेकंड। सर मेरे पति का फोन आया था, वो थोड़ी देर बाद मुझसे मिलने वाले हैं। उन्होंने कुछ कपड़े और पैसे मंगाए हैं। कहां पर? तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो सर इस रोड पे आए। हाँ सर, कल रात ब्यूरो से वो घर के लिए निकले थे। सर पैसे की कार, गाड़ी तो खाली, कहीं दे सर। सर तैसे लोग कुछ नहीं हो सकता। एक काम करते, इस गाड़ी को छान मारते, देखो कुछ मिलता है क्या। कहीं दया सर किसी मुसीबत में तो नहीं? मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा विश्वास करो। मैं सर बहुत भाग लिए तरुण कुमार जी, बहुत धोखा दे चुके अपने पत्नी को, लेकिन हमें धोखा नहीं दे सकते। चल
आप आ गए सर, आप ठीक तो है ना सर? हमें लगा आपको भी कुछ हो गया है। आपको भी मतलब किसे क्या हुआ है? फिरी? फिरी क्या हुआ बोलो? सर, अभिजीत सर हमें छोड़ के चले गए सर। छोड़ के चले गए? कहाँ गया वो? सर, अभिजीत सर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। फिरी, तुम होश में तो क्या क्या बोल रहे हो? दया सर, काश मेरी बात झूठ होती। कैसे हुआ ये सब? सर वो से मैं वहां से निकल आया, मगर सर अभिजीत इससे पूछो दया, पूछो इससे कि अभिजीत कहां है। मुझे नहीं पता। अभिजीत क्या कहते हैं? अभिजीत को क्यों मारा? मैं बेकसूर हूँ। मैं बेकसूर हूँ। कैसे बेकसूर? मैंने कुछ नहीं किया। बता, मैं बेकसूर हूँ? मैं नहीं। मैं छोड़ो उसे। मैंने अभिजीत को कुछ नहीं किया। तो फिर अभिजीत तुम्हारे मैजिक में आया कैसे? सर, वो मेरे पास है। बोले मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ, मुझे तुम्हारे जादू के खेल में हिस्सा लेना। आप बताइए मैं कैसे मना करता? तो फिर वो बाहर क्यों नहीं आया? बहन में से क्यों नहीं आया वो बाहर? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता तुम्हें? अरे कैसे नहीं पता? देखिए, मैंने अभिजीत सर को और अपने असिस्टेंट दोनों को बोला था कि कब कैसे बाहर आना है। अब कैसे नहीं आए, कैसे गड़बड़ हो गई, नहीं पता। देखिए, बिल्कुल नहीं पता। निखिल, इसके पूरे स्टाफ को यहां लेकर आओ, बुलाओ उन्हें अभी। बोल सर। सरंखे, क्या हुआ सरंखे? अरे तू रो क्यों रहा है? क्या बात है, बोल ना। अबे पता था क्यों नहीं तू? तारिका, तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ तारिका, क्या हुआ? सरंखे यार बता ना क्या हुआ है? अबे क्या हुआ? अरे
क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ तीन ही लोग हैं। इनके अलावा दो और हैं, राजू और काकू। वो कहाँ है? सर, राजू ने एक हफ्ते की छुट्टी ली हुई है और काकू पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक आदमी छुट्टी पे है, दूसरा गायब है, तो पता करने की कोशिश नहीं की कहाँ गायब है ये काकू? सर, कोशिश तो की थी लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा है, फोन नहीं लग रहा है। निखिल, इन दोनों के फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स निकालो। देखो ये काकू कहाँ छुप के बैठा है। समझ में नहीं आता अभिजीत इस मैजिक शो में गया ही क्यों। सर, अभिजीत को कभी ये मैजिक शो, तमाशा, खेल, इसमें कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं सर। सर, ये सारा किया धरा ये मैजिशियन का ही होगा। सर, सर अभिजीत सर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उस अननोन नंबर अभिजीत के फोन के लोकेशन एक ही थी सर, सीमेंट फैक्ट्री। तो फिर दया, जाओ इस सीमेंट फैक्ट्री में और पता लगाओ। यहाँ पर कुछ हुआ है? बिल्कुल यहाँ कुछ हुआ है। अभिजीत सर का बैच खुला सर। अभिजीत के बैच पे ये खून लगा है। सर, सर खून। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन क्या करता, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अभिजीत, ऐसा क्या कर दिया अभिजीत ने? कहीं अभिजीत के हाथों किसी का खून तो नहीं हुआ? वही आदमी है जिसने उसे मदद मांगी थी। जादूगर के साथ काम करने वाले आदमी ने मुझे बेहोश करने की कोशिश की। इस जादूगर का कुछ चक्कर है। मैं एक बार तेरे को मिलना चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे गरीब क्यों बनाया? दारू पी रखी है इसने। उठो इसे। चलो उठो। चलो। थोड़े वेले की क्या? रेडी से समझा क्या? मेरे को ऐसा मान आती है। सर, मतलब सर। राधिका, ये घड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? ये घड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? छोड़ो भैया, होश में नहीं। सर, ये घड़ी अभिजीत की है। क्या? पंकज, ब्यूरो लेके चलो। सर, चल, ब्यूरो में देता हूँ तेरे को। कहाँ से मिले तुझे ये अभिजीत की घड़ी? हाँ,
साहब अब इतना गुस्सा क्यों करते हो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये बॉस कि वो जली हुई लाश अभिजीत की नहीं। क्या? अभिजीत जिंदा है। सीमेंट फैक्ट्री से जो फोन मिला था उससे क्या पता चला है? मोबाइल की चिप में सिर्फ एक वीडियो है ये। क्या है ये? मुझे पता नहीं सर, इस आदमी ने मुझसे मदद लेने के बहाने मुझे बेहोश करने की कोशिश की थी। क्या? दया टेंशन मत लो, बस ये वीडियो माफ किया गया है। माफ किया गया है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिजीत को फंसाने के लिए उसे ये वीडियो दिखाया गया था? हो सकता है सर। दया इसका पूरा नशा उतार दो। बाप रे, इतना ठंडा पानी, भाई शप्पत। बोल, अब कुछ याद आया? या मरम्मत की भी जरूरत है तुझे? कहां से मिली अभिजीत की घड़ी तुझे? बोल। वो बंद पड़ी सीमेंट के फैक्ट्री में बैठ के मैं पी रहा था, और पता नहीं दो लोग कहाँ से आए और वो ये घड़ी और कुछ सामान फेंक दिया। वो घड़ी में मुझे लगा मेरे काम की है, तो मैंने घड़ी उठा ली और वो सामान उधर ही छोड़ दिया, और फिर पता नहीं वो कहाँ पे चले गए। क्या बातें हो रही थी, क्या सुना तुमने? वो कुछ बंद पड़ी मिल में जाने की बात कर रहे थे। मिल? कैसी मिल, कौन सी मिल? वो नहीं पता। लेकिन सर शहर में तो ऐसी बहुत सारी मिल्स होगी। तो फिर सचिन, सारी की सारी मिल्स छान मारेंगे हम, किसी ना किसी मिल में तो होगा अभिजीत। सोलिया बुढ़िया, पानी फेंक इस पे। तो सारे मिल चेक कर लिए, ये आखिरी मिल। एक काम करो, चारों तरफ फैल जाओ, सावधान रहना। मरने से पहले एक बार आंख खोल के देख ले इस दुनिया को। क्या कह रहा है, जोर से बोलना। क्या है? सी चल गई पर बल नहीं गया। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है।
के लिए, लेकिन कोई दिखा नहीं सर। तो तू है। क्यों बांध रखा है मुझे तूने? तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा, तब मारूंगा तुझे, बहुत खतरनाक मौत दूंगा तुझे। जो भी कदम उठाएगा पहले उसका अंजाम सोच लेना। अंजाम? अंजाम की परवाह कायर लोग करते हैं, मैं कायर नहीं। कायर तो तू है, जो बंधे हुए आदमी पे जोर अजमा रहा है। बाग मेरे हाथ खोल दे, फिर देख किसकी मौत कितनी भयानक होती है। बड़ी मुश्किल से हासिल किया है तुझे सीआईडी ऑफिसर, अभिजीत को इतनी आसानी से छोड़ दो? नहीं, इस दिन का बहुत सालों से इंतजार किया है मैंने। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा? हाँ? अच्छा है, लेकिन तुझे अच्छा नहीं लगेगा जब मैं तुझे खुद फांसी के फंदे पर लेके जाऊंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश तेरी? बता दे, तेरे ऑफिस भिजवा दूंगा। तेरी मौत की खबर लेके खुद मैं ऑफिस में जाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी मौत की खबर लेके जाता है। ऊपर का माला खाली है क्या? चार चार लोग तेरे सामने खड़े हैं और तू हमें मौत की दावत दे रहा है? जरा पीछे भी देख लो। साथ हैं। तेरी इतनी हिम्मत, अभिजीत को बांध के रखा था तूने? बोल, क्यों किडनैप किया अभिजीत को? बदला लेना चाहता था मैं। कैसा बदला? 5 साल से तैयारी कर रहा था मैं इसे मारने की। इसने मेरी बहन सोनिया को जेल की सजा कराई और उसे फांसी हो गई। ओ, तो तुम उस खतरनाक मुजरिम सोनिया के भाई हो। हाँ। कितनी तकलीफ हुई अपनी बहन के मरने की खबर सुन के, और उसने इतने लोगों को मर्डर किया, उसका कुछ भी नहीं? वो जैसी भी थी मेरी बहन थी। अच्छा,
अपना खोया तो बहुत तकलीफ हो रही है और दूसरे की जान की कीमत कुछ नहीं है, खिलौना समझ रखा है। तुम्हारे प्लान के बारे में हमें पहले ही पता चल चुका था और जैसे डॉक्टर सालुंके ने उस लाश का डीएनए टेस्ट किया हमें पता चल गया था कि वो लाश अभिजीत की नहीं। मगर हम लोगों ने अभिजीत सर के मरने का नाटक कंटिन्यू किया ताकि तुम लोग बिल से बाहर निकलो और कोई गलती ना। अभिजीत की घड़ी तुमने वहां सीमेंट फैक्ट्री में फेंक के बहुत बड़ी गलती की, उस घड़ी ने ही तुम्हें पकड़वा दिया। तुम जेल जाओ, चक्की पीसो सारी उम्र, ले जाने दे। अब मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा तुम तो, अरे यार तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो मुझे क्या हो सकता है, लेकिन वो वीडियो देख के मैं बिल्कुल घबरा गया था। ए, वो इन लोगों ने बनाया था तुम्हें ट्रैप करने के लिए। हाँ, वो जादू वाली वैन से जैसे ही बाहर निकला किसी ने पीछे से कुछ सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। राजू की लाश को वहां रखकर तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया। अरे मुझे क्या हो सकता है, जिसके इतने चाहने वाले हों उसे भला क्या हो सकता है। क्यों तारिका जी, गले मिल लो, मुझे वैसे भी कुछ दिखता नहीं दिन में। कुछ नहीं रहा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।